अगर आप चाहते हैं कि बिना कंप्यूटर यूज़ किए आप अपने मोबाइल पर स्टॉक फ्रेमवेयर को फ्लैश करना या फिर स्टॉक फ्रेमवेयर को इंस्टॉल करना, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। Hi guys, this is me Austin and welcome to High Tech Info. So, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च मारते हैं YouTube में, Google पे मारते हैं कि हाउ टू फ्लैश स्टॉक फ्रेमवेयर विदाउट यूजिंग कंप्यूटर, विदाउट यूजिंग PC, विदाउट यूजिंग लैपटॉप। बहुत सारे सर्च मारते हैं और बहुत सारे लोगों के जो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे ब्लॉग पे ऐसे ऐसे कुछ डाल देते हैं और वो सब काम नहीं करता, और बहुत सारे वीडियोज़ भी मैंने देखा हुआ YouTube में, वो सब काम नहीं करता डब्बा है डब्बा। सो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप सोचते हैं कि अरे यार स्टॉक फ्रेमवेयर बिना तो कंप्यूटर के फ्लैश मारना, मैं खुद बुद्धू बना रहा हूँ आपको, तो आप इस गलत में मत रहिएगा, बिकॉज आप भी इजीली बिना किसी के स्टॉक फ्रेमवेयर को अपने मोबाइल से इंस्टॉल करते हैं। सो बस यही है, अगर आप और अगर आप नए हैं, अगर आपको पता नहीं है कि स्टॉक फ्रेमवेयर कैसे फ्लैश करना है, कस्टमर फ्रेमवेयर कैसे फ्लैश करना है, तो आप ये वीडियो बस देखिए, बस देख के आप समझिए। अब इसे आप ऐसा कुछ ट्राई मत कीजिए, बिकॉज अगर आप अभी कुछ ट्राई करेंगे तो आप अपने मोबाइल के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क उठाएंगे। सो बस आप ये देखिए, और जो जो लोग महारती हासिल कर चुके हैं इन सब बारे में कि सॉफ्ट फ्रेमवेयर, कस्टम रॉम, इन सब में अगर ऐसे वो लोग जाते आते रहते हैं, जैसे कि लोग घर और ऑफिस में चले जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप भी काफ़ी इजीली इसे इंस्टॉल कर, अगर आप चाहते हैं, अगर आप या फिर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप सॉफ्ट फ्रेमवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात कि आप अपने मोबाइल को रूट करवा दीजिएगा, क्योंकि बिना रूट के ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। सो दोस्तों, शायद मैंने बहुत ही बकबक कर दिया, सो बिना बकबक करे चलिए प्रस्थान करते हैं कि बिना किसी के सॉफ्ट फ्रेमवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले आप नीचे दिए गए लिंक से फ्लैशिफायर का जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, या फिर प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपके इसी के लिए मैंने नीचे दिया गया है फ्लैशिफायर का लिंक, और आपको करना क्या है, आपको फ्लैशिफायर ऑन करना है, यानी कि ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिखाया गया एक्योरिंग रूट एक्सेस, मतलब कि आपके मोबाइल पर रूट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, रूट का जो आता है उसमें ग्रांट कर देना है। ग्रांट होने के हो जाने के बाद आपके यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा, 10 से 15 सेकेंड लगेगा इसको अपने प्रोसेस में आने के लिए। ये लोग हो गया डन, और यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर दिखा रहा है, इस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज फुली एट योर ऑन रिस्क। हाँ, सही कहा है कि आप अपने खुद के रिस्क पे ही आप इसे यूज़ कीजिएगा। तो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, सो आपको इस को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो दोस्तों, अभी ये आ गया इसका सेटिंग्स, चेकअप वगैरह आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो प्लस बटन दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपना जो प्रीमियर है उसे आप इजीली पिकअप कर सकते हैं। यहाँ पे IMEI वगैरह ID का जितने भी है, यहाँ पे फुल पार्टीशन, रॉ बैकअप, इन सब में आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अपने जो अपना सिस्टम है उसे आप काफ़ी इजीली पिकअप कर सकते हैं। सो आप बाद में आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। और अभी हम लोगों को करना क्या है कि आप कैसे करके अपना प्रीमियर, स्टॉक प्रीमियर इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अभी। सो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको वाइप में जाना होगा, बिकॉज आपका जितने भी पुराने जो हो उन सबको निकालना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम डेटा, थर्ड पार्टी एप, डेल्वी कैच, इंटरनल स्टोरेज, कैश पार्टीशन, कैशिक पार्टीशन फॉर्मेट। यहाँ पे आपको बस डिफॉल्ट ही करना है, आप यहाँ पे कुछ भी टच मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरनल स्टोरेज भी वाइप करना, तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा ऐसा मत कीजिएगा। नॉर्मली ठीक है, जितना जो बाय डिफॉल्ट होता है बस वही कीजिएगा। सो अभी मैं यहाँ पे टिक मार्क नहीं करूँगा, बिकॉज अभी अगर मैंने किया तो मेरा फ़ोन किसी नया स्टॉक में इंस्टॉल होगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अटक जाएगा। सो मैं अभी बस इसे बैक करने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ बस आप वैसा ही कीजिएगा, बिकॉज मैंने भी ऐसा ही यूज़ किया हुआ है। तो उसके बाद आफ्टर वाइप आपको करना क्या है, फ्लैश फ्रेमवेयर पैकेज पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, अब यहाँ पे आपको अपने जितने भी फाइल्स है वो सब आपको यहाँ पे शो करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे जितने भी फाइल हैं, ये आप यही यहाँ पर जितने भी फाइल्स है इसमें से आपको फाइल चूज़ करना है। सो मैंने अपने इंटरनल स्टोरेज पे कुछ रखा नहीं है, और हाँ एक बात बता दूँ कि आपके स्टोरेज के ऊपर भी स्पीड डिपेंड करेगा, बिकॉज अभी आप अगर एक्सटर्नल स्टोरेज यूज स्टोरेज में जाते हैं तो आपको शायद स्पीड इतना अच्छा नहीं होगा। सो अभी मैं एक्सटर्नल स्टोरेज पर जाता हूँ,
यहाँ पे आपको दिखा दूँगा। यहाँ पे जैसे फुल गैप्स में वैसे भी आपको गैप से दिखा रहा हूँ, आप अपना जो फ्रीमियम पैकेज है उसे आप डाउनलोड कीजिएगा। सो यहाँ पे जाने के बाद ओपन गैप्स में क्लिक करूँगा मैं। सो यहाँ पे जैसे स्कैनिंग चीप, यहाँ पे जैसे बहुत स्लो रहा है, अगर ये इंटरनल स्टोरेज पर होता तो बहुत ही फास्ट होता है। इसलिए आप अगर अपना स्टॉक फ्रीमियम डाउनलोड करने के बाद हमेशा आप इसे अपने इंटरनल स्टोरेज पर रखना, ताकि वो जल्द से जल्द फास्ट हो सके, स्कैनिंग भी और काम भी बहुत ही फास्ट कर पाए। इसलिए बस यही सलाह है आपसे कि जो स्टॉक रोम फ्रेमवर्क को आप डाउनलोड करेंगे उसे आप इंटरनल स्टोरेज पे ही रखा कीजिएगा। सो देखते हैं स्कैनिंग कम्प्लीट होने वाला है अभी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बस बूट ही आ रहा है। सो आप ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे बूट पे टिक किया हुआ है, रिकवरी सिस्टम कैची पी नोट पे टिक किया हुआ है, और बाकी कहीं पे भी टिक मार्क मत कीजिएगा, बिकॉज ये जो ऑटोमेटिकली जो आता है जो मैंडेटरी है वो बस उसमें ही टिक कीजिएगा। अगर आप कहीं पे और पे टिक करेंगे तो शायद आप बूट लूप पे हट सकते हैं। सो आप किसी भी जगह पे टिक मत कीजिएगा, बस ये कीजिएगा, बाकी कुछ भी मतलब कहीं भी टच मत कीजिएगा, मॉडेम वगैरह में टच मत कीजिएगा, बिकॉज अगर मॉडेम पे टच किया तो मॉडेम भी आपका वाइप हो जाएगा और आपको फिर से कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, बिकॉज मॉडेम आप इस ऐप से आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप बस यही कीजिएगा। सो उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते एवर रूट में जाना है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सुपरसू को निकाल फेंकना तो आप उसे अनटिक कर दीजिएगा, अन्यथा आप उसे टिक मार करके सुपरसू को अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। रखने के बाद ओके दबाने के बाद आपको क्या है, रिबूट में जाना है। ये जो जगह है यहाँ पे आपका जो कस्टम रिकवरी होता है वो सब रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टम रिकवरी को सेव करके रखना अभी भी चाहते हैं, तो आप नीचे जो प्रिजर्व आ रहा है यहाँ पे टिक मार्क कीजिएगा, बस आपका काम हो गया, आपका रिकवरी रहेगा वहाँ पे, वो फ्लैश नहीं होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, बस आपको फ्लैश में टिक कर देना है। अभी जो नीचे फ्लैश आ रहा है यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो टिक करने से आपका फ्लैशिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कुछ टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, उसके बाद आपका बूटिंग लगेगा। आपका जब मोबाइल बूट होगा तो आप उसे कुछ भी टच मत कीजिएगा, बस यही है और कुछ नहीं। आप ही काफ़ी इजीली इस ऐप के मदद से आप काफ़ी इजीली अपने मोबाइल पे स्टॉक प्रीमियर इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी बिना कंप्यूटर के सहायता के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ मैं इस बार कम से कम 60 लाइक के लिए सोच रहा हूँ। प्लीज़ बस लाइक ही तो करना है, मुझे लाइक बटन पे बस टच तो करना है और कुछ नहीं है। सो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।